नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी के हत्थे चढ़ा आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामू राम रायका ने अब राज उगलना शुरू कर दिए हैं। पहले जहां बेटे बेटी को 6 दिन पहले पेपर देने की बात स्वीकार की, तो वहीं अब रायका ने राजनीतिक दिग्गजों का हस्तक्षेप भी आरपीएससी में होने की बात स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही रायका ने स्वीकार किया है कि सीएमआर से सीधा उनके पास फोन आते थे, जिसके बाद अब एसओजी ने कई और पहलुओं पर जांच शुरू कर दी। राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीती रात राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार परिसंचरण तंत्र आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है तथा सतह से 8.5 किलोमीटर तक विस्तृत है। कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके असर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक राजस्थान में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है। बीसलपुर से आज अच्छी खबर सामने आई है और ये अच्छी खबर अगले 3 सालों तक राजस्थान की जनता की प्यास बुझाएगी। लगातार बारिश के चलते बीसलपुर बांध छलक पड़ा है, जिसके बाद बीसलपुर बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बीसलपुर बांध के निर्माण के बाद 9वीं बार इसके गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही पिछली बार 26 अगस्त 2022 को बीसलपुर बांध के गेट खोले गए थे। बीसलपुर बांध के गेट खुलने पर बड़ी संख्या में लोग नजारा देखने के लिए मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के गांव नुकेरा में स्कूल से घर लौट रही 2 सगी बहनों का अचानक लापता होने के मामले में करीब 40 दिन के बाद अब मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सर्व समाज के लोगों ने गुरुवार को मुख्य बाजार में कैंडल मार्च कर प्रदेश के मुखिया भजनलाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद सर्व समाज के लोग नेता प्रेम नायक से कहा कि 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इस निंदनीय घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। कोटा में कोचिंग छात्रों के लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बेतुका सा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि पिछले 1 साल में कोटा में 12 लोगों द्वारा आत्महत्या की जा चुकी है, तो शिक्षा मंत्री ने बेतुका सा जवाब देते हुए कहा कि जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस हिसाब से ये घटनाएं होती रहती हैं। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर पहुंची। उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर के खेरादीवाड़ा गांव में देवराज के घर पहुंचकर दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिवारजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। देर रात 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। गौरतलब है कि सरकार बनने के 9 महीने बाद भी तबादला सूची नहीं आने के चलते सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। इसके साथ ही विधायकों में भी नाराजगी व्याप्त होती जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने बीती रात सूची जारी कर दी। दिसंबर में आयोजित होने वाली पशु परिचर भर्ती का सिलेबस जारी नहीं होने से प्रदेश के करीब 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। युवाओं में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से जल्द पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग की जा रही है। तो वहीं बोर्ड की ओर से करीब 45 दिन पहले भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने की बात सामने आ रही है। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने आज शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विनेश ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारतीय रेलवे की सेवा में मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। विनेश फोगाट नॉर्थन रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स पर तैनात। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गौतम हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के कारण चर्चाओं में रहे हैं। अब देखना होगा कि गौतम के जाने से आपको कितना नुकसान होता है। इससे आप कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है।
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।